बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूनिक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को अप्रोच करो, वेंचर कैपिटल फंड्स को खोजो। देखो कैसा होता है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। पहले जब मैं चाय का स्टार्टअप चलाता था तो मैं टीपोस, चायोस, चाय पॉइंट, डोमिनोज, इनको फॉलो करता था, उनके पोस्ट देखता था कि पोस्ट कैसे करते, ऐसे मेरे को भी करना, इनके प्रोसेस एंड सिस्टम को समझता था। अब जिस दिन मेरा ये हो गया ना, मैंने उन सारी पेजेस को अनफॉलो कर दिया। जब जिसकी ज़रूरत हो उसको फॉलो करो, और जैसे ही आपकी ज़रूरत खत्म हो जाए उसको अनफॉलो कर दो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आज मैं कोई भी चाय या फूड बेवरेजेस की ब्रांड को फॉलो नहीं करता इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे। मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट होता हूँ जैसे VC से, प्राइवेट इक्विटी फर्म वालों से, ताकि जो मुझे ज़रूरत है ना। देखो आपको अगर बुखार आया तो बुखार की गोली लो, अगर सिर दुख रहा है तो सिर की गोली लो, अगर आप बुखार के साथ साथ सिर की गोली भी खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यही अपनी लाइफ में भी होता है, आपको जो करना है जो पाना है उस हिसाब से ही आगे बढ़ो, बाकी चीज़ें आपके भाई आपने सब चीज़ों का ठेका नहीं ले रखा है, तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और इनको पहले अप्रोच करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता दूं, वेंचर कैपिटल फर्म, प्राइवेट इक्विटी फर्म या छोटे मोटे एंजल इन्वेस्टर, ये आपके पास नहीं आएंगे, आपको इनके पास जाना पड़ेगा। 25-50 लोगों को आपका आइडिया शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और फिर जाके कोई एक दो लोग इंटरेस्ट लेंगे, या तो वो ऐसे इंटरेस्ट ले लेंगे या फिर उनको लगता है कि यार ये मैं करना चाहता था, ये बंदा आ गया तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बिजनेस में लक नहीं होता है, बिजनेस में होती है थोड़ी टाइमिंग और खेल, इसलिए तो रेगुलर पेशेंस रखो, कोई दिन आपकी टाइमिंग काम आएगी। मैं आपको कहानी बताता हूँ ओला की, उबर की और टैक्सी फॉर श्योर की। उबर दुनिया का सबसे बड़ा कैब कंपनी है इंडिया में, टैक्सी फॉर श्योर करके कंपनी था बॉम्बे का, जो उस समय ओला से भी ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो वो लोग अपने कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, और वो फिर आगे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से मिले, वेंचर VC फर्म से मिल के अपना फंड उठा रहे थे। तो वो लंदन में थे, तीन फाउंडर्स मेरे जान पहचान के हैं, वो टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर लंदन में बैठ के फंड उठा रहे थे। उसी टाइम पे, उसी पीरियड में दिल्ली में उबर के अंदर एक औरत का रेप होता है, और पूरे हिंदुस्तान में उबर के खिलाफ लोग आ जाते हैं कि उबर में रेप हो रहा है, उबर के साथ ये हो रहा है, सेंसिटिव है हमारी कंट्री। तो उस टाइम वो टैक्सी फॉर श्योर को जो इन्वेस्टर पैसा दे रहे थे, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, बोले हमें नहीं देना इंडिया में, शायद ये जो खेल है, ये जो कैब वाला है, ये कार वाला है, ये नहीं चलेगा, इस हिसाब से चीज़ें होती है। तो उनको टैक्सी फॉर श्योर वालों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। फिर 6-8 महीने के बाद चीज़ें वापस ठंडी हुई, और उसके बाद टैक्सी फॉर श्योर की जगह ओला को इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर टैक्सी फॉर श्योर की जगह ओला अगर होता उस टाइम पे, ये रेप का केस होता, तो शायद उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो पॉइंट हियर इज कि कौन करता है, पाता कौन है और भरता कौन है। तो इसीलिए बोलते हैं पेशेंस रखो और ट्राई करते रहो, किसी दिन आपकी चाबी चलेगी, किसी दिन आपकी भी टाइमिंग चलेगी। तो ये भी चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें और बाहरी पहनावे से लोगों के सामने अपनी पहचान को नहीं बयां करना है। लोग आपके ज्ञान, लोग आपकी समझ और आपकी समझदारी पर अगर जिस दिन भरोसा और प्यार देने लग गए, तो आपकी तरक्की कोई नहीं देगा। अगर आपको आजकल मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत पसंद आ रहे, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भेजो, और आपके कमेंट्स में और आइडियाज़ लिखो जिस पर मैं बात कर सकूँ आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।